मैंने आपको एक पिछली वीडियो में बता ही दिया था कि कभी भी सुप्रीम कोर्ट की डेट आ सकती है, मंडे को भी हो सकता है, लेकिन आज ट्यूसडे हो गया और आज जैसे आपको पता है डेट आ भी गई और कल वेंसडे है, कल इस पर फैसला सुनाया भी जाएगा। फैसला मतलब ये बताया जा सकता है कि ये केस सीबीआई को सौंपा जाएगा कि नहीं फाइनली, और सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी रह सकती है कि नहीं, और वही सारे पॉइंट्स डिस्कस होंगे जो पहले हुए थे उसके ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी हियरिंग ले ली है उसके ऊपर मोस्टली कल फैसला आना चाहिए, बिकॉज जितनी भी चीज़ें बोलनी थी, जो आर्ग्यूमेंट्स होने वाले थे वो तो हो चुके हैं, जो हियरिंग होने वाली थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कहा है कि हमें सीबीआई जांच से कोई एतराज़ नहीं है, हालांकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा है। यकीन मानिए इस केस में बहुत फास्ट पेस्ड हो रहा है सब कुछ। जनरली सुप्रीम कोर्ट में जब केस जाता है तो टाइम लगता है, हियरिंग की डेट्स इतनी जल्दी नहीं पड़ती हैं, इतने जल्दी डेवलपमेंट्स नहीं होते केस के ऊपर, और बहुत सारा टाइम लग जाता है, इतना कॉम्प्लेक्स केस बन चुका है, इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, फिर भी डेट्स कितनी जल्दी आ रही है आप सोचिए। कुछ ही दिन हुए, 4-5 दिन हुए हैं जब लास्ट हियरिंग थी, और अब कल बताया जा रहा है कि कल सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपना फैसला सुना सकती है, सीबीआई के पास केस जाना चाहिए कि नहीं। इट्स क्वाइट आयरॉनिक, आज ही सुशांत सिंह के केस में रिया चक्रवर्ती का इतना बड़ा स्टेटमेंट आया, उसमें उन्होंने कितनी सारी बातें बताई है, मैंने आपको ऑलरेडी पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपके सामने मैंने दिखा दिया है। सो देर इज़ अ लॉट दैट्स गोइंग इन फेवर ऑफ सुशांत सिंह एंड हिज फैमिली फॉर द सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इन दिस केस। सो आई एम श्योर जो कल फैसला होगा वो मोस्टली उसी फेवर में आएगा, अब तक तो ऐसा लग ही रहा है। ऑलरेडी आप देख सकते हैं ट्विटर पर ऑलरेडी ट्रेंड कर रहा है #SC assign CBI for SSR केस, ये ऑलरेडी ट्रेंड कर ही रहा है। देर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर, लॉट ऑफ बिग पार्टीज आर इन्वॉल्व एंड अ लॉट ऑफ पब्लिक सेंटिमेंट इज अटैच विद दिस केस। तो जो भी होगा कल मैं आपको अपडेट तो दे ही दूंगा इस केस में, मे बी नॉट द फर्स्ट बट डेफिनेटली द मोस्ट जेन्युइन एंड द मोस्ट ऑथेंटिक एंड वेरीफाइड। सो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन।